सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने थंबनेल में कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हो। तो यार, जब तक आप अपने थंबनेल में सही तरह से कलर कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे, तब तक आपका थंबनेल क्लिकेबल नहीं बनेगा। तो यार, थंबनेल को क्लिकेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको कलर का कॉम्बिनेशन करना सीखना होगा कि कौन से कलर के ऊपर कौन सा कलर मैच करता है। तो इस चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज, अगर आपको नहीं पता है कि कलर का कॉम्बिनेशन किस तरह से किया जाता है, सो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर सीख जाएंगे कि कलर का कॉम्बिनेशन किस तरह से किया जाता है और कौन से कलर के ऊपर कौन सा कलर अट्रैक्टिव लगता है, कौन सा कलर खिलता है। तो गाइज, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजबल होने वाला है, सो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सके। सो गाइज, चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप किस तरह से कलर का कॉम्बिनेशन करेंगे। तो यार, सबसे पहले यहाँ पर आप मेरा ये थंबनेल देख लो, जिसमें मैंने कलर का कॉम्बिनेशन सही तरह से किया है। और उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन से कलर के ऊपर कौन सा कलर मैच करता है और ये कलर आपको लगाना चाहिए। तो यार, देखा ना, मेरा थंबनेल कुछ इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन किया हुआ है मेरे थंबनेल में। तो यार, चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप किस तरह से कलर का कॉम्बिनेशन करेंगे। तो यार, कलर कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह से सीखने के लिए मैंने अपने मोबाइल में पिक्सल ऐप को ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सो यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड वाइट कर लेता हूँ, तो गाइस देख सकते हो। और यहाँ पर मैं कोई फॉन्ट ले लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। सो इसमें मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पर लिख लेता हूँ, मंजेश स्माइल, एंड इसको डन कर देता हूँ। और इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे। सो गाइज, यहाँ पर मैं इतना साइज का रखता हूँ। तो गाइज, वाइट कलर के साथ यहाँ पर कौन कौन सा कलर यहाँ पर मैच करेगा, तो यहाँ पर मैं कलर में जाता हूँ। वाइट कलर के साथ तो आपको पता होगा ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा खिलता है, और यहाँ पर रेड कलर भी अच्छा काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकलता है, और यहाँ पर ग्रीन कलर भी, ये भी काफ़ी अच्छा निकलता है। सो यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ। अगर आपका फुल ग्रीन होगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इसके अंदर ही ये दब जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कलर में आना है एंड इसका ये डार्कनेस इसको थोड़ा हाई कर देना है, इतना कर देना है एंड इसको ओके कर देना। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा खिलेगा वाइट कलर के ऊपर। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस का कोई एक कलर लेता हूँ जो वाइट कलर के साथ मैच नहीं कर रहा होगा, यानी कि वाइट कलर के अंदर ये सिमट जाएगा। सो आपको देख सकते हो ये कलर वाइट कलर के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा खिल नहीं रहा। तो इसको खिलाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर शेडो में आना है। शेडो में आने के बाद इसको ऑन कर देना है, देन यहाँ पर ब्लैक कलर को आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसको भी ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद गाइस देख सकते हो यहाँ पर ये खिलने लगा है। सो इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेना है, तो आप अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर लेना। तो गाइस देख सकते हो कुछ इस तरह से ये खिलने लगा। सो आप कुछ इस तरह से अपने जो फॉन्ट यहाँ पर इस बैकग्राउंड के साथ नहीं खिल रहा होगा तो उसको कुछ इस तरह से आप हाईलाइट दे सकते हो, ये काफ़ी ऊपर हाईलाइट निकल के आ जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। तो अभी मैं ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसका साइज़ थोड़ा आगे पीछे कर देता हूँ, तो इतना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब ब्लैक बैकग्राउंड के साथ कौन कौन सा कलर यहाँ पर मैच करेगा और कौन कौन सा कलर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा अपने टेक्स्ट लिखने में। तो बैकग्राउंड के साथ साथ आपको ये कलर काफ़ी ज़्यादा मैच करता है और ये बैकग्राउंड को पीछे छोड़कर हाईलाइट करते हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रीन कलर। देन आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये रेड कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल रहा है और यहाँ पर वाइट कलर तो और ज़्यादा अच्छा निकल रहा है। सो मेरे फेवरेट हैं ये रेड कलर, ये ग्रीन कलर जिसको हाईलाइट पूरा हाईलाइट कर देना है यहाँ तक, तो ये ग्रीन कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल रहा है। और ये है वाइट कलर, तो बैकग्राउंड के साथ ब्लैक बैकग्राउंड के साथ वाइट कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकलता है। तो आपको क्या करना होगा, इसको ऊपर की ओर निखारने के लिए, जैसे कि ये बैकग्राउंड है तो ये बैकग्राउंड को ऊपर की ओर निखारने के लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एंड इसका बैकग्राउंड मैं हाइड कर देता हूँ, यानी कि हटा देता हूँ। और अब क्या करता हूँ, इसके साथ कोई एक
स्पेस लेना है और इसको क्या करना है, यहाँ से एडजस्ट कर लेना है। अगर आप पीछे में ये लगाना चाहते हो अपने थंबनेल के पीछे, और इसका कलर क्या करना आपको चेंज कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इस कलर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ऊपर ले आता हूँ अपने फॉन्ट को। तो गाइस देख सकते हो ये फॉन्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैच कर रहा है इसके साथ। तो अब मैं इसका क्या करूँ, शेडो यहाँ पर हटा देता हूँ ताकि ये इस बैकग्राउंड के साथ अच्छी तरह से मैच कर सके। तो गाइस देख सकते हो इस शेडो, मैं इसको ऑन रहने देता हूँ। अब इस बैकग्राउंड को ये टेक्स्ट के साथ, ये जो बैकग्राउंड है ग्रीन कलर का, इस बैकग्राउंड को ऊपर खिलाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर आना है और इसके शेडो को यहाँ पर ऑन कर देना है। तो ये वाला बैकग्राउंड भी यहाँ पर ये खिलने लगेगा और इसको अच्छी तरह से आपको कर लेना है। इसका बैकग्राउंड यहाँ पर ब्लैक आपको सेलेक्ट कर लेना है, देन यहाँ पर आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से खिलने लगा। तो आप कुछ इस तरह से अपने थंबनेल के बैकग्राउंड को यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हो, ज़्यादा निखार सकते हो। देन मैं इस बैकग्राउंड को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, पीछे वाले बैकग्राउंड को, और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये वाला कलर है। तो इस कलर के ऊपर आपको कौन कौन सा यहाँ पर फॉन्ट लिख सकते हो, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से कलर का। तो यहाँ पर ये कलर, और इसका मैं शेडो आपको हटा करके दिखाता हूँ। शेडो मैंने अनहाइड कर दिया, तो देख सकते हो ये इसके साथ मैच हो गया। तो इसको निखारने के लिए इसको शेडो को ऑन करना है, एंड इसका यहाँ पर आपको वाइट कलर ले लेना, ये भी निकल रहा है, तो इसको ब्लैक कलर करके यहाँ पर इसको निखार सकते हो। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ, और इस हल्दी कलर के साथ कौन कौन सा कलर यहाँ पर कॉम्बिनेशन कर रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर इसके साथ ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकलता है, ये ब्लैक कलर आप दे सकते हो, वाइट कलर ज़्यादा नहीं निकलता है। तो इसको इसका क्या करें, शेडो में, इस फॉन्ट के शेडो में आपको ब्लैक कलर दे देना, ये निकल जाएगा। तो गाइस यही था ये कलर कॉम्बिनेशन का वीडियो। सो यहाँ पर मैं आपको वो थंबनेल दिखा देता हूँ जिसमें मैंने अच्छी तरह से कलर कॉम्बिनेशन किया है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, और यहाँ से मैं गैलरी से एक थंबनेल ले लेता हूँ जिसमें मैंने अच्छी तरह से कलर का कॉम्बिनेशन किया है। सो यहाँ पर गैलरी से वो फ़ोटो ले लेता हूँ, फिर देख सकते हो ये फ़ोटो है। तो गाइस इस फोटो में आप देख सकते हो कलर का कॉम्बिनेशन किस तरह से हुआ है। इस फोटो को देखते ही व्यूअर को ऐसा लगेगा सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्रिएट 2022 इन प्रोफेशनल VIP gmail.id। तो कुछ इस तरह से कलर का कॉम्बिनेशन किया जाता है। तो मैं एक और थंबनेल आपको दिखा देता हूँ जिसमें मैंने कलर का कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से किया है। सर ये वाला पिक आप देख सकते हो, ये वाला थंबनेल, इसमें भी कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी तरह से हुआ है। सो आप देख सकते हो, और इस तरह से आप अपने थंबनेल में कलर का कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से कर सकते हो, अपने थंबनेल को काफ़ी ज़्यादा क्लिकेबल बना सकते हो। तो यार आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगा हो। तो गाइज हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी अगर नहीं पता हो कि कलर का कॉम्बिनेशन किस तरह से किया जाता है तो वो भी इस वीडियो को देख करके सीख सके, और वो भी अपने YouTube थंबनेल में कलर का कॉम्बिनेशन सही तरह से कर सके, अपने थंबनेल को क्लिकेबल बना सके। तो यार आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय, थैंक यू।